तो भाई प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज के व्लॉग को अभी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो है मैं मार्केट से आया, तबीयत जो है ख़राब हो गया था, फिर रात को जो है मैं पैरासीटामॉल लेके सोया हुआ था, लेकिन फिर भी रात भर में भी सही नहीं लगा, तो सवेरे जो है फिर खाया फिर सोया, और तबीयत ख़राब होने की वजह से आज अपन मार्केट भी सब्ज़ी बेचने नहीं गए। तो मैं सोचा कि आज दिन भर तो सोया हुआ था घर में, और अभी जो है ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा दवाई का असर हुआ ना तो बढ़िया लगा। फिर घर से जो है अभी घूमने के लिए मैं देख सकते हैं अपने खेतों की तरफ आया हुआ हूँ, क्योंकि घर में ही दिन भर सोए सोए यार पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा बाहर का हवा भी खाओ ना तो थोड़ा बेटर लगता है। देख सकते हैं खेतों की तरफ, पूरा सभी खेतों में जो है रोपाई पूरी तरीके से हो गया है, अभी कुछ समय बाद ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, अभी भी आप लोग को दिख रहा होगा बहुत तगड़ा नज़ारा। तो अपन डिस्कशन करते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप आ रहे हैं उसके ऊपर। तो भाई प्रमोशन 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 यार, खाली आजकल मैं देख रहा हूँ तो लगभग जब से मेरे चैनल पर व्यूज़ आना चालू हुए इस महीने से, लगभग उतने ज़्यादा भी नहीं 10-20 हज़ार ही व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लोगों को इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज़ पर कि क्या बताऊँ। वीडियो पर कमेंट्स तो कम, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई आप मेरा चैनल प्रमोट कर दो, और कोई बोल रहा है कि प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है अभी कि प्रमोशन करूं कि नहीं करूं करके। तो मेन बात करते हैं सबसे पहले अपन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट प्रमोशन का ऐसा है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मतलब मेरे को उतने वैल्यूबल नहीं लग रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के प्रमोशन करने से आपको या मेरे को तो चलो फ़ायदा हो भी जाएगा, लेकिन जो देखने वाले हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, आपका भी तो उसमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। इस वजह से जो है मैं प्रोडक्ट का प्रमोशन अभी नहीं कर रहा। मेरे को 2-3 प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए आया था, एक प्रोडक्ट का आया था सबसे स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक खाद का, जैविक खाद का, कि इस जैविक खाद का प्रमोशन करो, उस पर हम लोग आपको कमीशन अलग से देंगे और प्रोडक्ट का जो है जो प्रमोशन करें उसका पैसा अलग से देंगे, ऐसा करके जितना सोयल होगा उस हिसाब से आपको उस पर कमीशन देंगे बोले वो। फिर बोले कि जो इसका प्रमोशन करोगे उसका तो प्रमोशन का अलग से पैसा देंगे पर वीडियो के हिसाब से, ऐसा करके प्रोडक्ट का कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और अगर कोई फार्मर यूज़ किया है तो उसको क्या फ़ायदा हुआ इसका, ऐसा करके। लेकिन वो मेरे को कोई ऐसा डिटेल सेंड नहीं किया अपना कि उससे किसी फार्मर को फ़ायदा हुआ है कि नहीं, ऐसा करके। तो भाई ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने का क्या फ़ायदा, मैं तो पहले ही वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर उससे किसी को फ़ायदा हो नहीं रहा एक्चुअल में फार्मर को, या जो भी चीज़ों के मामले में प्रमोशन कर रहा हूँ उससे जिनको जो देख रहे हैं वो अगर उसका यूज़ करते हैं उनको फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो वो कोई मतलब कहीं नहीं है। और सेकंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो बीच में और एक भाई साहब मेरे को प्रमोशन के लिए बोले थे, क्या बोलते हैं उनका था कोई वेबसाइट था, वेबसाइट में कुछ क्या चीज़ का प्रोडक्ट है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या चीज़ का था करके। तो उनका भी मेरे को उतना समझ नहीं आया वेबसाइट के बारे में कि क्या चीज़ का प्रोडक्ट कौन सा है करके, क्योंकि यार कुछ भी चीज़ का रहे प्रमोशन, मैं सिर्फ पैसे के लिए उसका प्रमोशन नहीं करना चाहता, एक्चुअल में उसका जो है जो देखने वाला है उसके लाइफ में कुछ वैल्यू एड होना चाहिए तभी मैं उस चीज़ का प्रमोशन करूँ, ऐसा जो है थिंकिंग मेरा है। और अभी लेटेस्ट में 1-2 दिन पहले और मेरे को मैसेज आया इंस्टाग्राम में एक भाई का कि भाई आप प्रमोशन करोगे क्या करके, फिर मैं उनसे पूछा डिटेल्स, तो वो बताए कि जो आजकल जुआ खिलाने वाले ही समझ, तो मैं सीधा भाई जो रमी सर्कल हो गया और इसी प्रकार के 3 पत्ती ये सब कुछ ऐप का प्रमोशन है करके, तो ये सब मेरे को उतना पसंद नहीं है यार, और मेरा चैनल भी उस टाइप का नहीं है कि मैं लोगों को ऐसा ऐप के बारे में गेम खेलने के लिए बोलूं करके। मेरे को लिटरली बताऊं तो ऐसा टाइम पास वाली चीज़ें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर एक्चुअल में उससे आप लोगों को कुछ ज्ञान मिलता कुछ वैल्यूबल रहता तो उसका प्रमोशन मैं कर भी देता, अब उसमें सिर्फ मेरा ही फ़ायदा हो रहा है आप लोग का कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने से क्या मतलब का। अगर मान लो मेरा वीडियो देख के आप लोगों ने मैं उसको प्रमोट किया और यूज़ भी किया लेकिन आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है उससे, तो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब प्रोडक्ट के बाद अपन आते हैं कि चैनल प्रमोशन पे। तो गाइस ऐसा है यार कि सभी लोग लगभग अभी
देख रहा हूँ मैं हफ्ते भर से, तो मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं चैनल प्रमोशन के लिए कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मेरा चैनल प्रमोट कर दो करके। तो यार ऐसा है कि आप लोग जो चैनल प्रमोशन पे ध्यान दे रहे हो ना, उसके जगह आप लोग कंटेंट पे ध्यान दो यार, क्योंकि किसी भी एक मात्र एक बंदे का ही बस मैं चैनल प्रमोट नहीं कर सकता। और मेरा कोई चैनल जो है ऐसा प्रमोशन वाला टेक्निकल चैनल है नहीं कि मैं प्रमोशन करूँ, है ना। तो इसलिए आप सभी को दिल से सॉरी यार, मैं चैनल प्रमोट नहीं कर सकता। और आप लोग अपने चैनल पे वर्क करो यार, कंटेंट पे वर्क करो, जिससे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके आपसे, आपके चैनल से या आपके वीडियो से कुछ वैल्यूबल चीज़ मिलना चाहिए, जिससे वो खुद ही मतलब YouTube जो है खुद ही आपके वीडियो को रिकमेंड करे, आपको प्रमोट करे। और व्यूअर को अगर आपके वीडियो पसंद आई ना, तो आपको किसी से भी प्रमोट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को प्रमोट करवाने के पीछे आप लोग बिल्कुल भी मत भागो यार, कि फालतू का उसमें अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। मैं तो प्रमोट करने के लिए फ्री में भी कर दूं, लेकिन यार मैं प्रमोट नहीं कर सकता चैनल जो है, किस किस का चैनल प्रमोट करूँगा आप ही लोग बताओ ना। तो नीचे प्लीज़ यार आप लोग कमेंट मत करो कि भैया चैनल प्रमोट कर दो करके। और इंस्टाग्राम में भी मेरे को चैनल प्रमोशन के लिए तो मैसेज मत करो यार, फिर बाकी सभी चीज़ों के लिए आप सभी का दिल से स्वागत है। और आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई कि भाई के चैनल जो है ग्रो हो गया या व्यू आने लग गए तो इसमें घमंड आ गया, ईगो आ गया ऐसा करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ग्रो हो, आप लोग के चैनल पे भी व्यूज़ आए और अच्छे खासे जो है आप लोग एक मुकाम हासिल करें अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल हो करके। तो यही है। और ऐसा यार कि जैसे आप लोग आज मेहनत कर रहे हो लेकिन यूट्यूब जो है आपके वीडियोस को रिकमेंड नहीं कर रहा है, या कुछ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका जो रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप लोग को उस चीज़ का जो है रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ना, मतलब आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है यार। ये मैंने रियल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसी का बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले सब्ज़ी बेचा एक महीने तक तो मेरे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा और अभी भी मैं जो है अपने सब्जी के धंधे से बहुत खुश हूँ। मेरे को मतलब उसमें ऐसा कि किसी के अंडर रह के वर्क करना नहीं पड़ता, इसलिए इससे मैं बहुत खुश हूँ। और आगे तो आप लोग जानते हो बहुत सारे प्लान्स हैं। तो भाई वीडियो के लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें पूरा जी जान लगन, पूरा हर चीज़ को लगा दो, तो वो सक्सेस अवश्य आप लोग भी हो जाओगे। और भाई लोग आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं यार कि डेली सब्जी ही ना दिखाओ, कुछ और चीज़ें दिखाओ करके। तो यार मैं भी सोचता हूँ कि कुछ नया आप लोग के लिए करूँ करके, लेकिन अभी जो है उतना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतना सही मेरा है नहीं कि सब्जी को छोड़ के मैं कहीं और घूमने जा पाऊँ करके। इस वजह से जो है मैं दूसरा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे कंटेंट जो है सोच के रखा हूँ कि चैनल को कैसे आगे लेके जाना है करके, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस जो है मेरे को और आप लोग को भी रखना होगा इस चैनल को ग्रो कराने के लिए और देखने के लिए। तो अभी थोड़ा सा यार देख लो, जो अपनी सड़ी गड़ी लाइफ स्टाइल है सब्जी वाली, उसको भी सहन कर लो अपने भाई के लिए। कि कोई भी को अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर हर्ट हुआ हो तो सॉरी यार, अच्छा नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक मार सकते हो, लेकिन मैंने इस वीडियो पे जितनी भी बातें जो बोली ना, वो जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर बताया। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, और आप लोग का कोई सुझाव हो मैंने सही कहा या फिर गलत कहा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ और यार, आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किस किस लोकेशन से देख रहे हो, उसको कमेंट मेरे को ज़रूर करना, ताकि मेरे को समझ आए कि कहाँ कहाँ से लोग जो है वीडियोस को देख रहे हैं। तो फिर आज के व्लॉग को, मतलब आज के वीडियो को यही एंड कर दें, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा चौड़ा हो जाएगा तो बोर लगने लग जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।